बाबा राव जी उठो, राव जी उठो, राव जी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है और तुमने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। मैंने ही अम्बेडकर को भेजकर तुम्हें बुलवाया है। किस मुंह से आपके पास आता देवा? मेरे चेहरे पर तो अपमान और कलंक का दाग लग गया साईं, दाग लग गया। तुम्हारा दुख मुझसे छुपा हुआ नहीं है राव जी। तुम पढ़े लिखे समझदार इंसान हो और अच्छी तरह जानते हो कि दुख सुख मान अपमान का इंसान से चोली दामन का साथ है। कोई नहीं जानता दुख सुख मान अपमान का सामना उसे कब करना पड़ता है। जो दुख आने पर आंसू नहीं बहाते और खुशी होने पर पागल नहीं होते वही जिंदगी के सफर में कामयाब होते हैं। एक बात और राव जी, जो बिना मतलब किसी का अपमान करता है उसे एक ना एक दिन वैसा ही अपमान सहना पड़ता है। यही भगवान का न्याय है। आप सच कह रहे हैं देवा, लेकिन लेकिन देवीदास जी को जो दंड मिला उसका भी मुझे दुख है। मैं जानता हूं तुम दुख जताने देवीदास के घर गए थे लेकिन तुम्हारी उससे मुलाकात न हो पाई। इन सारी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई अच्छाइयां जरूर होगी। हो सकता है बाबा। परेशान न होना राव जी, गुरुवार के दिन बिटिया को यहां शिरडी ले आना। मैं उसे उसी शादी के जोड़े में देखना चाहता हूं जिसमें उसकी शादी टूटी थी। राम जी भला करेंगे। जो हुक्म देवा। मैं तो तब भी था जब तुम नहीं थे, तब भी हूं जब तुम हो, और तब भी रहूंगा जब तुम नहीं रहोगे। क्योंकि मैं साईं हूं, साईं बाबा। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? अरे भले ही मेरी बेटी का ब्याह आपके बेटे से नहीं हुआ लेकिन मैं आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करता हूँ। नहीं राजी भाई, जब तक मुझे आप माफ नहीं करेंगे मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा। मैंने मैंने आपका और आपकी बेटी का जो अपमान किया है उसका अफसोस सीता की आग की तरह मेरे मन में धधक रहा है। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे ये अफसोस की आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी राव जी भाई, भस्म कर देगी। सेठ देवीदास, तुम्हारा रोग ठीक हो गया? देवा, आपकी कृपा से तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन देवा आप मुझे सेठ जी मत कहिए। देवा सेठ जी मत कहिए। तुम्हारी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। एक मामूली सी बीमारी ने तुम्हारा जीवन बदल दिया। अपराधी खुद अपने अपराध को स्वीकार करे इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। धन दौलत तो आनी जानी चीज है, आज है तो कल पता नहीं, इसलिए उसे मोह करना नादानी है। राम जी करे तुम्हारे विचार ता जिंदगी ऐसे ही बने रहे। उठो देवीदास। राव जी अब आप भी इन्हें माफ कर दो। लेकिन देवा मैंने इनकी गलती मानी ही कब थी? अल्लाह मालिक है। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। अब आप दोनों मुझे साक्षी रखकर विवाह बंधन में बंध जाओ। लो लो बेटिया, लो बेटिया पहनाओ हमारे। साईं बाबा की।
अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मेरे साईं कितने दयालु हैं। तुम एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करके देखो बेटे, वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेगी। ये तुम ये लो, ये साईं बाबा की तस्वीर, और पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से ओम साईं नाथाय नमः के मंत्र का जाप करो और कृपा की प्रार्थना करो। मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, सब ठीक हो जाएगा बेटी। ठीक है शंभू काका, जो जिंदगी साईं की वजह से बची है उसे साईं के चरणों में अर्पित कर दूंगी। ओम साईं नाथाय नमः, 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 ओम साईं नाथाय नमः। बंद कर पूजा पाठ। पूजा का एक समय होता है। और ये किसकी पूजा कर रही है? माँ, ये श्रीदी के साईं बाबा हैं। साईं बाबा? हमारे यहाँ इनकी पूजा नहीं होती। मनु बेटा। आया माँ। क्या हुआ माँ? देख, देखिए क्या कर रही है। क्या कर रही है ये? हमें बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र की साधना कर रही है। तुझे नहीं पता तंत्र मंत्र में कितनी ताकत होती है। ये हमें अपने वश में करना चाहती है। और ये तस्वीर देख रहा है? पता नहीं कौन से बाबा की तस्वीर है, मैंने तो आज से पहले कभी सुना नहीं इनके बारे में। तो लगता है वो तांत्रिक या कपालिक है ये। क्यों? मैंने तुमसे तुम्हारे पापा को फोन करके रुपए मंगवाने को कहा था ना? मैं फोन नहीं करूंगी। फोन नहीं करेगी? फोन नहीं करेगी? हमारी बर्बादी के लिए इस कपालिक से प्रार्थना करेगी? सोच समझ कर बात करो मनु। ये शिरडी के साईं बाबा हैं। इनकी समाधि से इनके भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। अच्छा, क्या कष्ट है तुझे यहाँ पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू हम लोगों से छुटकारा पाने के लिए इन बाबा से प्रार्थना कर रही है? मैं अपने मन की शांति के लिए पूजा कर रही हूँ। तू तो पहले इनकी पूजा नहीं करती थी? मुझे आज ही इनकी परम शक्ति के बारे में पता चला है। मनु, ये सब इसके बाप की साठ गांठ है। बाकी के 25 लाख ना देने पड़े उसके लिए हमारे ही आंगन में तंत्र मंत्र का प्रयोग करवाना शुरू कर दिया है। ऐसा मत कही, मेरे पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। ए, सुन लो तुम, तुम हमारे घर में इनकी पूजा नहीं करोगी? तुम मुझे इनकी पूजा करने से नहीं रोक सकते मनु। जान दे दूंगी लेकिन साईं बाबा की पूजा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? ऐसे नहीं मानोगी तुम? मनु, मनु प्लीज। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साईं मेरे सहारे की रक्षा करो। साईं,